हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स बहुत ही मतलब कुछ स्पेशल रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही ठंडी ठंडी बनती है और गर्मियों में सबको बहुत पसंद आती है, जो कि हम लोग मार्केट से जाके खरीदते हैं और पता नहीं कैसी बनी रहती है। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स फालूदा, और इसको कैसे बनाना है तो चलिए हम चलते हैं अपने किचन में। फालूदा बनाने के लिए पहले हम फ्रेंड्स घोल तैयार करेंगे। तो घोल हम इसी कढ़ाई में तैयार करेंगे क्योंकि इसी में ही हम फालूदा बनाएंगे। तो ये मैंने आरारोट लिया है और आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने 4 चम्मच लिया है आरारोट, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर लेके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप 4 चम्मच की जगह 7 चम्मच यानी कि 7 चम्मच आरारोट लेंगे, और इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। तो 1.5 गिलास के हिसाब से 7 चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर लेना है, और इससे कम कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है, नहीं तो फालूदा का वो टेक्सचर नहीं आएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करेंगे, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, वाइट कलर का फालूदा बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा कलर इसमें डाल दिया है, तो ये जब हम पकाएंगे ना इसको तो रेड कलर पे आ जाएगा। तो अच्छे से चला के हम इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स फालूदा अभी हमने गैस पे चढ़ाया नहीं है, गैस पे चढ़ाने से पहले हमको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। थोड़ा सा आइस हम लेंगे, ज़्यादा सी आइस हम लेंगे, और ये ठंडा पानी लेंगे, ठंडा पानी यानी कि चिल्ड लेंगे, और ये दोनों चीज़ एक साथ हम प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फालूदा जो हमने उसका घोल रेडी किया था, अब हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। पहले हमने हाई फ्लेम पे रखा कुछ सेकंड के लिए, और फिर आँच इसकी हमने एकदम लो कर दी, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये लगने लगता है, लम्स लगने लगते हैं, तो इसीलिए हम आँच को एकदम धीमा कर देंगे। और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट तक हम इसको चलाएँगे धीमी आँच में, और ये बढ़िया अच्छे से शाइनिंग करने लगेगा। फ्रेंड्स हमें इसको अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से पकेगा नहीं तो फालूदा फिर अच्छे से बनेगा नहीं, और फिर जब बनेगा नहीं तो फिर फालूदा बनाने कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो घोल है कुछ पतला है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 1.5 गिलास में 7 चम्मच कॉर्नफ्लोर होना ज़रूरी है, मैंने 4 चम्मच डाला है। तो ये लेकिन मैंने फिर बाद में इसको कॉर्नफ्लोर गर्म ठंडे पानी में मिला के इसमें डाल दिया था, तो ये अच्छे से रेडी हो गया था। तो इसी तरह हम इसको चला लेंगे। फालूदा पकने की पहचान फ्रेंड्स ये होती है कि अब अच्छे से इसमें शाइनिंग आ जाती है, और अच्छे से मतलब बॉयल हो जाता है, बुलबुले से उठने लगते हैं और खूब शाइनिंग करने लगता है, तो इसका मतलब फालूदा ये पक गया है। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से फालूदा ये पक गया है, लेकिन अभी इसको हम कुछ सेकंड और पकाएंगे। तो ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पतला है, इसीलिए मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा गर्म ठंडे पानी में आरारोट मिला के अच्छे से इसको गाढ़ा कर लिया था। तो आपको 1.5 गिलास पानी में 7 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाना है, इससे कम क्वांटिटी नहीं करनी, अगर कर देंगे तो फिर फालूदा का वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये देखिए ये पकने की यही पहचान है फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक गया है और इसको शाइनिंग भी इसमें अच्छी आ गई है। तो ये देखिए गैस को अब हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फालूदा बनाने के बाद हमको रुकना नहीं है, तुरंत ही ये प्रोसेस करना है, नहीं तो वो फालूदा नहीं बनेगा। तो मैंने इस तरह की मशीन ले ली है, आप चाहे तो दूध की पन्नी जो आती है उसमें भी छोटा सा छेद करके इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास दूध की पन्नी नहीं थी, तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल चिल्ड पानी मैंने लिया है, और बिल्कुल बर्फ़ ले लिया है, बिल्कुल चिल्ड है। तो ये देख सकते हैं आप फालूदा की कंसिस्टेंसी, जो मैंने बनाया था वो थोड़ा पतला था, इसको बाद में मैंने सही किया है, यानी कि 3 चम्मच और डाल के इसमें थोड़ा सा आरारोट और पानी मिला के ठंडे पानी से इसको और अच्छे से पका लिया था। तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे अगर पतला रहेगा तो फालूदा नहीं बनेगा। तो इसको मैं मशीन में भर लूँगी, और ये बिल्कुल गर्म है फ्रेंड्स, बिल्कुल संभाल के काम करना है। मशीन को भी अगर हम पकड़ेंगे तो कपड़े से पकड़ के ही पकड़ेंगे, नहीं तो फिर हाथ जल जाएगा, फिर फालूदा भी अच्छे से नहीं बनेगा। और इसको हम झट से बंद करके और बस तुरंत बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये कैसे बनता है। तो मैंने पहले थोड़ा सा बना के देख लिया था, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप गोल गोल बनाते चले जाइए, और ये बिल्कुल ऐसे ही बनता चला जाता है। और ज़रा सा तार आपका छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फालूदा का टेक्सचर सही होना चाहिए। तो ये ठंडे पानी में इसीलिए बनाया जाता है फ्रेंड्स, ये जैसे जैसे बनता जाएगा तुरंत नीचे बैठता जाएगा, तो इसकी यही पहचान होती है कि फालूदा अच्छे से बन गया है।
तो जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे ही नीचे बैठता चला जा रहा है। पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, अगर चिल्ड पानी नहीं होगा तो फालूदा फिर अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फालूदा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया और एक एक बिल्कुल फालूदा अलग अलग है इसके तार। तो आप भी इसे बनाकर घर में रेडी कर सकते हैं। और तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स इसका फालूदा का आगे का प्रोसेस करने, इसकी रबड़ी बनाने। तो आप चाहे तो फालूदा ऐसे भी बना सकते हैं, रबड़ी के साथ में भी बना सकते हैं। तो हम रबड़ी के साथ में आज आपको बना के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, फालूदा के लिए रबड़ी बनाने के लिए मैंने 5 से 6 ब्रेड ले ली है और इसको बिल्कुल महीन हमने मिक्सी में पीस लिया है। और ये जो दूध है, दूध बिल्कुल नॉर्मल घर वाला ही दूध है गाय का, और इसको हम इसी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम ब्रेड इसमें डालते हैं तो इससे रबड़ी बहुत अच्छी बनती है, कोई कह नहीं सकता इसके अंदर ब्रेड पड़ी। इस तरह से आप बनाकर देखिएगा ज़रूर, और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इससे फ्रेंड्स रबड़ी का टेक्सचर भी आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस अच्छे से इसको खौला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपको जितना भी मीठा रखना हो रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एक तो हमने इलायची डाल दी थी और बस गैस हमको हमने बंद कर दिया है। रबड़ी को हम थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हमने रबड़ी को बना लिया। अच्छे से आप देख सकते हैं कि कैसी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, तो ब्रेड डालने से हमें ब्रेड की स्मेल नहीं आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बिल्कुल रबड़ी की तरह। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा ऐसे ही। तब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फालूदा बनाने के लिए 2 तरह से फालूदा बनाएंगे, एक फालूदा रबड़ी और एक सिर्फ फालूदा। तो फालूदा रबड़ी में ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने बर्फ़ को अच्छे से महीन कर लिया है और उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। और ये जो हमने फालूदा बनाया था इसी के ऊपर हम थोड़ा सा इसको भी ऐड कर देंगे, जितना भी आपको ऐड करना हो कर सकते हैं। और ये जो रबड़ी है फ्रेंड्स, बिल्कुल ठंडी ठंडी है, इसको थोड़ा सा और फ्रिज में थोड़ी देर रख देंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। और इसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो डालिए या ना डालिए। फिर से हम थोड़ी सी बर्फ़ इसमें डालेंगे और फिर उसके बाद में हम फिर से फालूदा ढेर सारा इसी में ऐड कर देंगे। फिर से हम इसी में रबड़ी डालेंगे और रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फालूदा में, आप बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और ये जो रूह अफ़ज़ा है फ्रेंड्स, इसमें भी हम 1 चम्मच ऊपर से ऐड कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स फालूदा रबड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं फालूदा बनाने के लिए। तो मैंने ये बर्फ़ ली है, थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया है रूह अफ़ज़ा, 2 चम्मच डाल दिया है। रूह अफ़ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। फिर उसके बाद में इसमें फालूदा डाल देंगे। इसमें हम रबड़ी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम सिर्फ वो तैयार कर रहे हैं फालूदा, उसमें ढेर सारी बर्फ़ डाल के फिर से हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना यमी लग रहा है। फिर से हम बर्फ़ डालेंगे और फिर से इसी के ऊपर हम थोड़ा सा फालूदा इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ फालूदा बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा सा फालूदा और डालेंगे। और फालूदा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, आप चाहे तो बिना कलर का भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें फिर से हम रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको ठंडा ठंडा खाते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बस तुरंत ही इसको सर्व करना है, तुरंत ही इसको खाना है, तभी इसका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फालूदा रबड़ी और फालूदा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से आप बना सकते हैं, चाहे तो रबड़ी मत बनाइए, ऐसे ही बना लीजिए, लेकिन मैंने दोनों तरीके बताए हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फालूदा आप घर में अच्छे से ऐसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम तो इसको बना के एंजॉय करेंगे, आप भी बना के एंजॉय करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरह से मैंने कितनी जल्दी फालूदा बनाकर रेडी कर लिया है। और आप बिल्कुल ऐसे ही रेसियो से बनाएंगे तभी ये फालूदा अच्छा बनेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। मतलब बनाने का अगर रेशियो सही नहीं होगा तो ये सही से बनेगा नहीं, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसको बना के देखिएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।